नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल हांसी की आवाज़ पर आपसे मुखातिब हूँ। इसलिए कि प्रदेश में चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, राजनेताएँ मैदान में उतरने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक अटूट दावा करके अब की बार 75 बार का दावा करती है और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के सेगमेंट, अलग अलग विभागों के और संगठन से जुड़े हुए राजनेता बराबर इस बात की तरजीह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा सरकार बनाएगी प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष का बार बार यही कहना है कि हम एक महागठबंधन की तैयारी में भाजपा को चोट देंगे, लेकिन ये सब बातें हम राजनेताओं से अच्छी तरह जानते हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस प्रकार का सिनेरियो हम आने वाले चुनाव में देखने जा रहे हैं या नहीं। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच हम मीडिया के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी पर्सनैलिटीज को, ऐसी राजनेताओं को, ऐसे सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों को आपसे मुलाकात करवाते रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, राजनेताओं से राजनीतिक बात करते हैं और सामाजिक सरोकार रखने वाले, एनजीओ चलाने वाले, उनसे उनकी नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की साक्षात उदाहरण वीना चौधरी जी, जो प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी जो एनजीओ की चेयरपर्सन है और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, हांसी से बिलोंग करती हैं, उनसे बातचीत करते हैं हमारे मीडिया पर। वीना जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि हांसी की आवाज़ मीडिया पर आप आई हैं। बंसल जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हांसी की आवाज़ चैनल के माध्यम से आप हांसी की जनता से भी रूबरू करवाते हैं और मैं बधाई देती हूँ हांसी के चैनल सभी दर्शकों को। आप एक एनजीओ चलाते हैं, प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी। हाँ जी, एनजीओ समाज सेवा करती है। हाँ, प्रगति समाज वेलफेयर सोसाइटी है हमारी। हाँ जी, जो गरीब जरूरतमंद। कितने साल पहले आपने इसको बनाया एनजीओ? ये 1.5 साल हो गया सर। इसको 1.5 साल हो गया जी सर। तो इसके माध्यम से क्या क्या सेवाएँ आप समाज में देते हैं, किस प्रकार की सर्विसेज आप समाज को देते हैं? समाज में जितनी भी शिक्षा के सतर हो, जरूरतमंद लोगों को, हॉस्पिटल में मरीजों को और अभी शहीद सम्मान, जैसे यहाँ से भी जितने भी शहीद उनके परिवारों को सम्मानित किया था हमने और गरीब कन्याओं की शादी में जैसे भी डोनेशन का रहता है हमारा और गरीब बच्चों के स्कूलों में जैसे स्टेशनरी है, बुक्स वगैरह है, तो ये कार्य हमारी सोसाइटी करती है। ये आपकी एनजीओ है, एनजीओ की ये कार्य है, समाज में आप इस प्रकार की सेवाएं देती हैं, सेवा करती हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था शहीदों के परिवार को सम्मानित करना, जी सर, वो भी आपने करवाया था शायद? हाँ जी सर, वो हमारी सोसाइटी ने करवाया था सर। कितने शहीदों के परिवारों को आपने सम्मानित किया? जी सर, 17 परिवार की सर। जी सर। मैडम, आप सीना अभिनेत्री और एक वरिष्ठ भाजपा नेत्री जो कि प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कला परिषद की वो चेयरपर्सन है हरियाणा प्रदेश की, कला परिषद की डायरेक्टर है, डायरेक्टर। हाँ जी सर, आप समझ ही गई होंगी मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरी सिस्टर है सोनाली, सोनाली फोकाट, उनकी छोटी बहन है। हाँ सर, तो आप अब भाजपा में हैं? जी सर। वो जिक्र मैंने इसलिए किया कि आपकी सिस्टर इतने बड़े उहदे पे हैं, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, कई फिल्म्स में आई हैं, सीरियल्स में आई हैं। सोनाली फोकाट का मैंने इंटरव्यू भी लिया था, शायद उस टाइम आप बैठी हो हमारे इस मीडिया पर। तो आप भारतीय जनता पार्टी में आई, इससे पहले कौन सी पार्टी में है आप? ठीक सर, हम जरा आप सब कर। मैं इनेलो पार्टी में थी सर। इनेलो? जी सर। उसके बाद जेजेपी में भी शिफ्ट हुए? हाँ, उनका टूट जाना परिवार की कलह के कारण दो गुटों में पार्टी बन गई थी, फिर जजपा में थी मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने कहा मुझे कि
कि देखो इनका घर में ही जब। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कैसे आना हुआ, क्या किसकी प्रेरणा से आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्यों आए, क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी में? वैसे तो अक्सर हमारी डिस्कस होती रहती थी, मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी बार कहा कि आप आ जाओ पार्टी में, मुझे भी मजबूती मिलेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी जी, और इतना अच्छा वर्क कर रही हो तुम, तुम्हारी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, समाज सेवा में इतनी सारी महिलाओं का तुम्हारा संगठन है, तो तुम ऐसी पार्टी में रहकर काम करो जहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण मजबूत हो, महिलाओं को तवज्जो दी जाए और तुम्हारा भी करियर निखर कर आए। तो ये सब कुछ आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा? हाँ, और बाकी मैं मोदी जी से बहुत उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की। ऐसा मोदी जी में ऐसा क्या है कि जो आप इतना प्रभावित हुए राष्ट्र के प्रति? आज तक बहुत सारे प्रधानमंत्री बने जी, जैसे अपना देश आजाद हुआ है उसके बाद से, लेकिन जो राष्ट्रहित की नीति उनकी है वैसी सोच रखने वाला शायद ही आज तक वो प्रधानमंत्री बना सके। आप एक NGO की चेयरमैन भी हैं, अब मोदी जी की बहुत यानी कि आप पक्षधर हैं, बड़ी उनकी नीतियों से बड़ी प्रभावित हुई है। आपकी बहन सोनाली फोकाट भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न होदों में, और आप समझा जाता है कि आप फांसी की राजनीति में बड़ा अच्छा दखल देती हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं भारतीय जनता पार्टी की, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो केंद्र में पूर्व में मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, उनके उनके बड़ी करीबी मानी जाती हैं, और हाल ही में बने MP विजेंद्र सिंह जी की भी बड़ी करीबी मानी जाती है। तो हांसी के अंदर आप क्या देखती हैं कि किस तरह की राजनीति, किस तरह की यानी कि हांसी के अंदर जो इतनी गंदगी है, इतना विकास नहीं हुआ है, इसके किसको जिम्मेवार ठहराती हैं? विकास में तो आपको लगता होगा कि हांसी पिछड़ा हुआ है। सर, हांसी में विकास की बात करें तो सबसे मैन तो देखो सारी जनता ने उन ने मिलकर हांसी का विधायक बनता है, हांसी का जिम्मेवारी विधायक की होती है। अब हांसी का विधायक आपको पता है जैसे रेणुका बिश्नोई जी ने जी, वो कमजोर रही, अब समानता के अधिकार पर विकास किया है, ग्रांट तो मुख्यमंत्री जी ने सबको समानता के अधिकार पर सबको दी है, अब वही गौर ना करें वो जुमलेबाजी में अपनी मतलब क्या रेणुका बिश्नोई यहाँ नहीं आई कभी क्या आपके हल्के में आते नहीं क्या? 4 साल बाद एक दिन आई थी। अच्छा, जब नाली साफ कर रही थी जब ऐसा ही कुछ मौसम था शायद पिछले साल आई। अच्छा अच्छा, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आई। अच्छा, तो उनका जनता के प्रति कर्तव्य तो बनता है, उन्होंने पूरा का पूरा विधायक के ऊपर तोहमत लगा देना कितना सही है आप लगा के, इसमें कोई नगर परिषद का भी तो दायित्व बनता है कि शहर का विकास कर पाए, तो इसमें नगर परिषद के बारे में बात करें तो पहले तो अंत कल है कि शायद MC गुटबाजी के कारण काम नहीं हो पाया, हमारे हांसी हल्के का विकास इसी वजह से रुका हुआ था, और अब लगभग रोड है, गलियां, सड़कें, सीवरेज थोड़ा बहुत ध्यान लगता है कि गुटबाजी खत्म हो गई। हाँ, अब उनका विकास हो गया। बराबर 75 पार, अब की बार 75 पार BJP का नारा है, आपको लगता है कि 75 पार हो जाएगी? डेफिनेटली सर। क्यों, कैसे? क्योंकि समानता के अधिकार पर विकास कार्य हुए हैं, पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिली है, बेटी बचाओ उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, इतनी सारी नीतियां इतनी अच्छे ढंग से लागू की गई है, सभी लोगों का समानता से विकास हुआ है, मध्यम वर्ग से मतलब नीचे वर्ग से लेकर अपर वर्ग तक सभी को समान। क्या विपक्ष बिल्कुल साफ हो जाएगा? कांग्रेस है, JJP है, इनेलो है, ये अन्य जैसे राजकुमार सैनी की पार्टी है, लोकसभा चुनाव में देख भी लिया होगा आपने सर विपक्ष का साफ होना, और ऐसे ही अब आगे नेशनल पार्टी है, लेकिन यहाँ क्या आपको अंतर्कलह नजर आता है क्या पार्टी में? कांग्रेस में भी ऐसे ही चल रहा है सर, किरण चौधरी जी हैं, सैलजा है, हुड्डा है, तंवर है, एक दूसरे की ब्लैकमेलिंग करने में लगे हुए हैं, तो फिर पार्टी का जनाधार मजबूत कैसे कर पाएंगे? आप JJP का ऐसा ही JJP का हाल है, इसमें देखें तो फिर उनका आधे से ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे को कोसने में लग जाता है, इनेलो का चाचा भतीजे हैं, हाँ जसपा में और जसपा का इनेलो। आपको नहीं लगता कि इनमें से कोई निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता सर। अब की बार 75 पार का आंकड़ा पूरा होगा? हाँ सर, 75 से भी ऊपर। तो आप यहाँ टिकट का दावा भी करती हैं, अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न मंचों पे आप कहती हैं कि मैं जियो भी चलाती हूँ और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को तरजीह देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए,
तो आप अपने आप को कितना खड़ा पाती हैं मीना जी टिकट के दाव में? मुझे आप हाँसी से बिलोंग करती हैं, आपके पति यही काफ़ी हर साल यहाँ सर्विस भी किए हैं, तो यही आपका मकान है। आप हल्के की कहलाते हैं, हल्के के बाहर के कहलाते हैं? हल्के की है सर, बाहर की क्यों कहलाएंगे। अच्छा, 30 वर्षों से मेरे पति यहाँ सेटल हैं, तो फिर और समाज सेवा में यही हम जमे हुए हैं, तो फिर देखो बाहर का तो सवाल ही नहीं बनता। तो आप अक्सर नेताओं से मिलती हैं, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं से, संगठन के नेताओं से मिलती हैं भाजपा के, तो अपना पक्ष रखती हैं कि मैं भी नहीं सर, ऐसी मेरी कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी, अभी मैंने एंट्री की है, सबसे पहले तो हमारा यही है कि समाज सेवा, और समाज सेवा की भावना से मैं राजनीति कर रही हूँ। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मुझे टिकट दे या टिकट का मेरा कोई भाई जाती है। मैंने कोई ताल ना ठोकी है, ना मेरी इच्छा है, ना मैं ऐसा सोचती हूँ। मेरी तो भावना है समाज सेवा की ही, उसी के चलते मैं मीना जी थोप दी जाती है आपको टिकट, थोप दी जाती है। अभी आपको तो चुनाव में उतरना ही होगा, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं और अच्छी कार्यकर्ता है संगठन की, भाजपा की, तो उसमें उसमें गर्मी का मौसम है, गर्मी तो होगी। अब कुछ राजनीति गर्मी की चुनाव के माहौल के अंदर, चलो कोई बात नहीं सर, जैसा जनता चाहेगी, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करूंगी, महिलाओं को, युवाओं को, और जो हाँसी का जो माहौल है उसे बढ़िया तरीके से एक सुनहरा हाँसी बनाने का काम करूँगी। भारतीय जनता पार्टी में विनोद ध्याना जी आए, अतर सिंह सैनी जी पार्टी छोड़ के आए, विनोद मेहता जी आए और डॉक्टर लोकेश टुटेजा जी आए, तो इनका आना आपको कैसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं या बिल्कुल कर रही हैं? और बढ़ता कुटुंबा ही अच्छा, परिवार बढ़ता ही अच्छा, और मैं तो चाहती हूँ इन सबका सम्मान, मान सम्मान, मुझे भी बहुत मान सम्मान मिला है, ऐसे इनको मान सम्मान मिला है, और ऐसी ये नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। अगर वायदा में से किसी को टिकट नहीं मिलती है, छोड़ के चले जाते हैं, तो अच्छा लगेगा आपको क्या? सर मैं अच्छा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो छोड़ के जाने वाली सोच उनकी है सर, हाँ वो मैं नहीं कह सकती सर बात पर कुछ। अच्छा, तो जिस पार्टी में आए तो उसमें रहना चाहिए कुछ देर तो देखना। हाँ सर बिल्कुल रहना चाहिए, डेडिकेट होकर पार्टी की सेवा करनी चाहिए। हाँ। और बस आसिक को संवारने का काम करना चाहिए, हर कोई आता है आसिक की जनता में, ये सफाई नहीं आसिक की, वो गली नाली सब कुछ सड़ा हुआ है, सबका कर्तव्य बनता है, सब कोशिश करो। विधायक तो जैसा है आपको पता ही है, चेयरमैन साहब हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि आसिक अपना है और हम इसमें इसके वासी हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। जनता जनार्दन को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाएं जो उत्पीड़न का शिकार होती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, तो वो बोल्ड होकर आए समाज में, उनको उनके प्रति आपकी फिर क्या सोच? मैं तो ये कहती हूँ महिलाएं उत्पीड़न हो रही हैं तो उन्हें उत्पीड़न का देखो शिकार है, तो समाज में जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनको अपनी सोच सुधारनी चाहिए, और गुनाह करना भी पाप है और गुनाह सहना भी पाप है। और मैं देखो मुझे जीवन में कभी मौका मिला तो मैं उन सब महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। आपकी एनजीओ का भी? हाँ जी बिल्कुल, मेरी एनजीओ का ही, वही समाज सेवा हमारी, हम उसी की कोशिश से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो धन्यवाद मीना जी, आपने हंसी की आवाज़ मीडिया पर बहुत अच्छी सोच से आपने बात कही। मीना जी सोनाली फोकाट, सीने अभिनेत्री सोनाली फोकाट की सिस्टर हैं, वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं, कई पदों पर हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर, हाँ एक प्रश्न हम आपसे और पूछना भूल गए, तो बीच में मैंने पहले ही आपका धन्यवाद कर दिया, उसका बताइए। अभी आप एक फिल्म इंडस्ट्री के जो 50 सालों से लगातार यानी फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार हैं, धर्मेंद्र जी जिन्हें ही मैन कहा जाता है, और बीकानेर से पूर्व भाजपा के सांसद हैं, और उनकी मोहतरमा, उनकी हाँ, जो बेटर हाफ जिनकी हेमा मालिनी मथुरा से, सेकंड हाँ, उनका बेटा भी है जी गुरदासपुर से, सनी देओल ये आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई, बेटा उनका सनी देओल गुरदासपुर पंजाब से एमपी है। अभी धर्मेंद्र जी से मिल के हमने आपकी पिक देखी धर्मेंद्र जी के साथ में जी सर, तो क्या आपका उद्देश्य रहा धर्मेंद्र जी से मिलने का, क्या मूड था आपका मिलने का? मिलने का कैसा कुछ नहीं था सर, हम घूमने गए हुए थे। अच्छा, और उनसे मुलाकात हुई अचानक ही, और बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने भी हरियाणा के वासी होने के नाते में बहुत ही मतलब इज्जत मान सम्मान का भाव दिया हमें, और बाकी तो देखो जब आपने कहा कि मैं भाजपा नेत्री हूँ तो उन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए भाजपा के राजनीति के बारे में, वो खुद सांसद रहे हैं भाजपा के, उन्होंने ये कहा भाई देखो ये तो चलता रहता है राजनीतिक में भी, आदमी मतलब आदमी के ह्यूमन बीइंग अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उस समाज के प्रति कुछ अच्छा कर जाए, अच्छा कुछ अच्छा करे। आज उनका नाम है देखो, उनका नाम सुपरस्टार
आज वो अच्छे लोगों में नाम दिया साल के हो गए और बड़े युवा लगते हैं। हाँ, बड़े सर की सोच बहुत अच्छी है। उनकी धर्म पत्नी भी भाजपा के सांसद हैं, तो मिलकर आपको अच्छा लगा उनसे? बहुत अच्छा लगा सर। आप मिली और ये थी आपके सोनाली फुकार को जानते हैं धर्मेंद्र जी, उनका जिक्र आया होगा। हाँ, मेरी सिस्टर उनसे काफी बार मिल चुकी है और इंडस्ट्री में काफी मेरी बहन का वहाँ सीरियल वगैरह भी कर चुकी है और अच्छा। हाँ, फिल्म वगैरह भी की है उन्होंने, तो वो तो साथ भी उनका काम हाँ, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है मेरी सिस्टर का। तो जिक्र आया तो उन्होंने आपको बड़ा तवज्जो दी इस बात में। धर्मेंद्र जी से आपकी बड़ी खुल के बात हुई। हाँ जी सर, वो भी राष्ट्रहित की भावना के बारे में अपने विचार उन्होंने रखे, हमसे आशीर्वाद लेकर। हाँ जी सर। ये थी वीना चौधरी जी। हमने बताया कि ये धर्मेंद्र जी से, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक गुरु माने जाते हैं, ही मैन माने जाते हैं, आज भी युवाओं के लिए आइकॉन है, 85 साल के होने के बावजूद भी बड़े हस्त पुष्ट अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं धर्मेंद्र जी। उनसे भी मिल के आई, सोनाली फोकाट की सिस्टर हैं, रियल सिस्टर हैं और एक NGO चलाते हैं। इनसे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और इन्होंने बताया कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है। NGO चलाते हैं, NGO महिला सशक्तिकरण के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य दिया। वीना जी, पुनः हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह आप पोल स्टार की तरह चमकती रहें और राजनीति में एक समाज सेवा की भावना से काम करती रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कहते हैं डिग्रियां तालीम से खरीदी जाती हैं, डिग्रियां तालीम की रसीदें होती हैं, चरित्र तो दिल से बनता है, उसकी हकीकत से बनता है, उसके काम से दिखाई देता है। तो ऐसा ही जो डिग्रियों में, हालांकि इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हैं, लेकिन ये डिग्रियों में विश्वास नहीं रखती क्योंकि तालीम की खरीदी हुई रसीद हैं डिग्रियां, लेकिन चरित्र और समाज के प्रति समर्पण एक अपने आप में एक जज्बा और एक अनोखा उदाहरण बनता है। ऐसी वीना चौधरी जी, जिनका हमने आज आपसे रूबरू कराए। वीना चौधरी जी, आप जुग जुग जियो और ईश्वर आपकी उम्र दराज करें, इसी तरह समाज सेवा में आप लगे रहें। शहीद उद्यम सिंह जी की बलिदान दिवस है, बलिदान शहीदी दिवस है, उनको सत सत नमन मेरी तरफ से सभी हांसी हल्का वासियों को, हरियाणा वासियों। आपको भी हमारा नमन। आप हमारे चैनल पर आए, इसी तरह आप शोभा बढ़ाते रहिएगा हंसी के चैनल, आवाज़ के चैनल। पुनः दोस्तों, हंसी की आवाज़ चैनल के माध्यम से हम आपको आह्वान करते हैं कि आप, और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हंसी की आवाज़ आपका प्रिय चैनल है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप इससे जुड़े रहिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, ये सब बातें मैं बार बार दोहराता हूँ और आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है। आज मैं कम बोला, ज़्यादा नहीं बोला, इसलिए कि आपकी फीडबैक मुझ तक पहुँच गई है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ, एक ऐसे स्नेह के साथ। तब तक आप इंतजार कीजिए, राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।